नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 9 Pro Max के बारे में। दोस्तों फाइनली Redmi के Note 9 Pro में एक बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा और दोस्तों आपको बताऊँगा कि इस अपडेट में दोस्तों हमें क्या नया देखने को मिलता है और ये अपडेट दोस्तों कितने MB कितने GB का है। दोस्तों ये Redmi Note 9 Pro Max जो फ़ोन है ये दोस्तों Android 10 पे चल रहा है और इसमें दोस्तों हमें MIUI 12 का 12.0.1 जो वर्जन है दोस्तों वो हमें देखने को मिलता था, बट अभी दोस्तों इसमें अपडेट आ चुका है जो दोस्तों है MIUI 12.0.3। तो दोस्तों इसके साइज़ की बात करें तो ये है दोस्तों 677 MB का। अब दोस्तों इसके साइज़ से पता लगता है कि इसमें हमें कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या देखने को मिलता है जो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों अभी जो फ़ोन है इसका इस अपडेट के बाद दोस्तों एक जो सिक्योरिटी पेज लेवल होता है वो हो जाएगा 1 फरवरी का। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर Redmi को सिर्फ सिक्योरिटी पेज लेवल जो होता है उसे बढ़ाने के लिए अपडेट देना होता तो ये अपडेट का साइज होता दोस्तों 150 MB तक का, बट दोस्तों इसका साइज है 670 MB। तो इससे दोस्तों अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है कि इसमें हमें दोस्तों और भी कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें हमें कोई नए फीचर देखने को नहीं मिलते इस अपडेट में, बट दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी बक्स आ रहे हैं, जो भी दोस्तों परेशानी आ रही थी चलाने में, चाहे वो बैटरी को लेके हों या डिस्प्ले को लेके हों या फिर दोस्तों किसी और चीज़ को लेके हों, वो दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद आपकी वो सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी और आपके फ़ोन का जो सिक्योरिटी पेज लेवल है दोस्तों वो हो जाएगा 1 फरवरी का। तो दोस्तों यही है इस अपडेट में, बाकी और कुछ नया नहीं है। आपको ऐसा लगे आप जी समझ रहे हो कि इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जो आपको एंड्रॉइड 10 पर ही चलेगा, बस दोस्तों आपके सिक्योरिटी पेज लेवल है वो बढ़ जाएगा और कुछ परेशानियाँ होंगी आपके फ़ोन में, जो दोस्तों हैंगिंग प्रॉब्लम होती है वो फिक्स हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सफर नहीं किया है तो इसे सफर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।